साक्षी मठ में लव जिहाद का एंगल आने के बाद हिंदू संगठन बेहद एक्टिव हो गए हैं। साक्षी के घर पर हिंदू जागरण मंच के लोग भी पहुंचे। हिंदू जागरण मंच के लोगों का कहना है कि ये पूरा मामला लव जिहाद का है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हिंदू जागरण मंच से कुछ लोग पहुंचे हुए हैं साक्षी के घर के बाहर। ये किस तरीके का लोग यहाँ नाराजगी जता रहे हैं, क्या आपके आने पर नाराजगी? नहीं, हमारे आने से पहले ये लोग लोगों को बरगला रहे थे, बार बार एक ही बात कह रहे थे, ये लव जिहाद का मामला नहीं है। हम इनसे जब ये क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि जब उसने रुद्राक्ष डाला हुआ है और अपना कलावा डाला हुआ है तो वो लड़का लव जिहाद क्यों नहीं? अगर उसको सच्चा प्यार है तो अपने मूल रूप से आके प्यार करे ना, बताए ना मैं साहिल हूँ, मैं मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता हूँ। आपको लगता है कि ये लव जिहाद का मामला? बिल्कुल सीधा सीधा लव जिहाद का मामला ये। और हम इसको, मेरा एक बात कहना है, ये लव जिहाद शब्द को पहले कोई स्वीकार नहीं करता था, लेकिन जस्टिस शंकरन ने केरल मामले में हादिया केस में ये जजमेंट दिया कि लव जिहाद ये मैटर करता है कि जब आप अपनी आइडेंटिटी को, अपने रिलीजन को बदल करके और हिंदू बन करके आप किसी लड़की के सामने जाते हैं, उसको फंसाते हैं, तो वो ये लव जिहाद होता है। आप मुसलमान हैं, टोपी लगा के जाइए, अपने असली नाम से जाइए, प्रेम करिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप अपनी आइडेंटिटी छपाते हैं और लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उनका मर्डर करते हैं, उनको आईएस में डालते हैं, उनका मानव तस्करी करते हैं, तो ये अंदर की भावना दिखाती है, ये लव जिहाद का एंगल बनता है। ये लव जिहाद का एंगल से ये मर्डर हुआ है? बिल्कुल, बहुत सीधा सीधा है, स्पष्ट है हमारा बिल्कुल मानना। हम अभी भी इसके बाद भी आगे कार्रवाई के लिए अभी जा ही रहे हैं और हम इस पे कार्रवाई करा के हटेंगे। इसका विरोध पूरी दिल्ली करेगी और हमारा प्रयास है कि हम चाहते हैं कि अन्याय के खिलाफ तो कम से कम हिंदू बोले, ये हमारा मेन थीम है। देखिए, हिंदू जागरण मंच से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, संयोजक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, जो कि यही मांग उठा रहे हैं कि न्याय यहाँ पर मिलना चाहिए साक्षी को। लेकिन साक्षी के माता पिता यहाँ नहीं है, लेकिन विरोध जरूर यहाँ पर थोड़ा देखने को मिल रहा है। जो यहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है कि लव जिहाद का मामला नहीं है, लेकिन हिंदू जागरण मंच इस बात पर अड़ा हुआ है। उनका कहना है कि ये लव जिहाद का मामला है क्योंकि हाथ में साहिल खान के मौली बंधी हुई थी, कलावा बंधा हुआ था और गले में रुद्राक्ष था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।